हर हर महादेव। दिव्य ज्योतिष के चैनल के जो हमारे दर्शक हैं, आप सभी लोगों को अंग्रेजी वर्ष 2023 की मंगल कामना के साथ स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को मैं आज जो है कन्या राशि राशिफल 2023 संवत जो है 2080 भविष्यवाणी में जो मैं करने जा रहा हूं वो कन्या राशि की जातकों के लिए क्या फल मिलने वाला है वर्ष में, आप लोग ध्यान से सुने। उससे पहले जो है मैं आप लोगों को मैं ये बतलाना चाहता हूं और आप लोगों से सादर आग्रह के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे दिव्य ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी जरूर बजाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज जो सब्सक्राइब कर चुके हैं और लाइक शेयर और घंटी जरूर बजाएं। तो आप लोगों को जो है आज मैं कन्या राशि के जातक हैं वर्ष 2023 कैसा रहेगा मैं बतलाने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए। मैं जो है इसमें क्या सार बतलाने जा रहा हूं आपको बता दे कि कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। प्रारंभ जो होगा संवत्सर का जो प्रारंभ होगा वो 2023 का जो संवत्सर नया वर्ष जो हम लोग का हिंदू का संवत्सर जो प्रारंभ होगा उस समय आपका कैसा स्थिति रहेगा तो ये बतला दें कि कन्या राशि के जातकों के लिए प्रारंभ में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, उनके लिए शोक का समय, रोग का समय, चोरी का भय रहेगा। और जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनके लिए जो है राज्य सरकार से कष्ट मिल सकता है क्योंकि योग बन रहा है। ये स्थितियां आपकी जो है बीच में क्या है, नौकरी का भय, व्यवसाय में भारी हानि होने की संभावना, धन संपत्ति व्यवसाय में भारी हानि की संभावना, अपने देश में कष्टकारी यात्रा और उत्तरादि का विरोध। और आपको बता दें वाहन से भी आपको बचना होगा, लेकिन न्यायालय से जो है आपको लाभ मिलने वाला है। कोई विवाद आपके परिवार में चल रहा हो तो वो आपको उसमें न्याय मिलेगा, आपको लाभ मिलने वाला है। भूमि भवन का सुख आपको मिलने वाला है। और ये जान लीजिए कि आपको बीच में जो है क्या है रोगग्रस्त बनाने वाला जो है स्थितियां पैदा होगी। तो आपको मैं ग्रहों के अनुकूल अब मैं बतलाने जा रहा हूं, ये तो मैं पूरे वर्ष का एक सार बतलाया, लेकिन ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उससे क्या फल आपको मिलने वाला है और यदि कोई दिक्कत है तो उसका निदान क्या है मैं बतलाने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुने। तो आपको बतला दें कि शनि जो है, शनि के विचार से देखा जाए तो संवत्सर का जो आपका प्रारंभ हो रहा है, जो कन्या राशि के जातक हैं जो 2023 में इसमें शनि का विचार जो है संवत्सर से जो है शनि कुंभ में ही संवत्सर के अंत तक कुंभ में ही रहेंगे और स्वर्णपाद का छठा शनि रहेगा, मतलब छठे भाव में आपके रहेगा और यह स्थिति बनाएगा कि आपको व्यापार में तो वृद्धि होगी लेकिन परेशानियां आएंगी। राहु के विचार से देखा जाए तो राहु आपका जो है स्वर्णपाद का आठवां राहु जो है और केतु जो है दूसरे भाव में रहेगा, जो स्थिति ऐसा बनाएगा राहु और केतु का जो ये स्थिति बनने वाली है वो क्या है दुर्घटना, स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहेगा, दुर्घटना का योग बन रहा है। आपको बतला दें राहु और केतु जो है दुर्घटना का योग बना रहा है, आपको वाहन से बहुत सचेत रहना होगा, अपनी सावधानी बरतनी होगी और स्वास्थ्य भी आपका गड़बड़ हो सकता है। आपको ये बतला दें कि 11 अक्टूबर 2023 को राहु जो है मीन राशि मीन में जाएगा और केतु जो है आपका जो है कन्या में जाएगा। जब ये दोनों का परिवर्तन होगा राशि का, ये परिवर्तन जब हो जाएगा तो आपको बता दें ये संवत्सर पूरा जो है ये राहु केतु जो है अंत तक उसी में रहेगा, राहु मीन में और केतु जो है कन्या में ही आपका रहेगा। ये बता दें कि राहु जो है क्या है, राहु और केतु क्या है कष्टप्रद है कन्या राशि के जातकों के लिए 2023 में जो है राहु और केतु क्या है कष्टप्रद है, कष्ट देने वाला है। इसकी शांति के लिए राहु और केतु की शांति के लिए जप दान आप करें, जप पूजा आपको जो है जान लीजिए जप दान पूजा करना नितांत आवश्यक है। और इससे जान लीजिए यदि आपको धारण करना है तो राहु के लिए जो है सलोनी गोमे धारण करें, केतु के जो आई कैट लहसुनिया धारण कर सकते हैं, तो इससे आपको शिव की पूजा कर सकते हैं, इससे आपको
लाभ मिलने वाला है, ये स्थिति आपकी बन रही है। इस इन जो है स्थितियों में आपको जो है पूजा जप दान ये काफी आपको लाभकारी होगा। अब जो है जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि उनका जो है दाम्पत्य जीवन जो है विशेष कष्टकारी होगा। अब मैं जो है जो कन्या राशि के जातक हैं उनके 2023 में गुरु का बल कैसा रहेगा और गुरु की स्थिति क्या रहेगी मैं बताने जा रहा हूं। गुरु का विचार, तो गुरु की स्थिति का विचार क्या रहेगा कि संवत्सर जो है तब गुरु जो है मीन में ही रहेंगे और स्वर्ण पाद का सातवां गुरु यात्रा में सफलता देगा, आपको बता दें भाग्योदय करेगा, गुरु लाभप्रद है। और 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में जाएंगे और संवत्सर के अंत तक उसी में रहेंगे, जो कन्या राशि के लिए विशेष कष्टप्रद है। और कष्ट के निवारण के लिए गुरु का दान जप गुरु स्त्रोत का पाठ या मणि में आप जो है पुखराज धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आठवां गुरु जो है शरीर को क्या करेगा रोगग्रस्त बनाएगा। आठवां गुरु क्या कर रहा है रोगग्रस्त बना रहा है। पारिवारिक अशांति विद्यार्थियों के लिए जो है अप्रैल मास जो है 2023 में सफलता मिलेगी और बड़े पद की जो है प्राप्ति आपको मिलने वाली है। वाहन का सुख मिलेगा, हृदय संबंधी रोग स्थितियां पैदा होंगी और आर्थिक आपको लाभ लेकिन मिलेगा। मई माह 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए जो है क्या स्थिति रहेगी कष्ट होगा, लेकिन एक चीज है कि आपको जो है लाभ भी मिलेगा, संतान से कष्ट होगा, वाहन भवन सुख मिलेगा। जून में जो है आपको बता दें व्यापार में विशेष लाभ मिलने वाला है लेकिन संतान से कष्ट मिलेगा। यात्रा का योग बन रहा है, पैतृक धन की प्राप्ति देगा। जुलाई माह वही 2023 जो है कन्या राशि के जातकों के लिए खर्चा कराएगा, शारीरिक कष्ट देगा, मानसिक अशांति रहेगी। अगस्त 2023 जो है कन्या राशि के जातकों के लिए शारीरिक मानसिक प्रबलता रहेगी और जो है गलत निर्णय लेने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति जो है आपकी क्या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, सिर में दर्द हो सकता है, पीड़ा होता हो सकता है, मानसिक आपको शांति रहेगी। वही सितंबर मास जो है 2023 जो है कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर मास स्वास्थ्य में क्या होगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा लेकिन नेत्र से परेशानी आपको हो सकती है, नेत्र में जो है दिक्कत आपको आ सकती है। और ये भी बता दें कि आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, विद्यार्थियों के घर से दूर जाकर के जो है पढ़ाई करने का जो योग बन रहा है। ये भी बता दें आपको कि अक्टूबर 2023 कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 जो है परेशानियां देगा, कठिन परिश्रम कराएगा और मानसिक अशांति रहेगी और डिप्रेशन का भी शिकार आप हो सकते हैं। ये बता दें कि अक्टूबर 2023 परेशानी देगा, परिश्रम मानसिक अशांति, पैतृक संपत्ति में जो है आपको विवाद होगा और नौकरी वालों के लिए पदोन्नत उच्च पद प्राप्त होने के योग बनाएगा। और नवंबर मास बता दे रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए 2023 नवंबर जो है धन वृद्धि, ये बता दे धन में वृद्धि तो होगी लेकिन हाथ में कष्ट हो सकता है, हाथ में पीड़ा हो सकती है, किसी कारण से आपको कष्ट होता है। पारिवारिक जो है सुख आपको जो है पारिवारिक सुख मिलेगा और राजकीय जो है कार्य में सफलता मिलेगी, वाहन भवन सुख जो है आपको ये दिलाएगा। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको मैं बता रहा हूं कि दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। तो दिसंबर 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए धन वृद्धि का योग बन रहा है और ये बता दें धन वृद्धि के योग बनते 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 उनको एक और जो है रोग की स्थिति पैदा हो सकती है, उनके कान का जो है दर्द हो सकता है, कान में हाथ में दर्द हो सकता है, वाहन से उनको कष्ट हो सकता है, वाहन से आपको बचना है, बहुत जो है ध्यान देकर के वाहन को आपको चलाना है। और पेट से संबंधित रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं, गैस का रोग बन सकता है, लीवर संबंधित आपको परेशानी हो सकती है और जमीन जायदाद में जो है क्या जमीन जायदाद से आपको परेशानी हो सकती है, आपको जो संतान से सुख की प्राप्ति हो सकती है। वही जो है कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा ये बतला दे रहा हूं। जनवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूं, उनको वाहन सुख मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता, शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलने का योग बन रहा है, भाग्योन्नत का योग बन रहा है, वाहन मकान भवन से आपको सुख प्राप्त होगा। मैं लास्ट आपका जो है संवत्सर के बाद आपको क्या भाग्योदय हो रहा है
वही जो है फरवरी 2024 जो है कन्या राशि के जातकों के लिए मानसिक चंचलता लाएगा, काफी परेशानियां बढ़ेंगी और पेट से रोग हो सकता है, लेकिन शत्रु परास्त होंगे, शत्रु पे विजय मिलेगी कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 में। वही मार्च जो है 2024 में कन्या राशि के जातकों के लिए त्वचा संबंधित रोग, लेकिन शत्रु परास्त होंगे, शारीरिक कष्ट तो होगा लेकिन शत्रु परास्त होंगे, दाम्पत्य सुख में कमी आएगा, दाम्पत्य जो पारिवारिक जीवन है पति पत्नी के बीच उसमें कमी आएगा, लेकिन कार्य में सफलता मिलेगा, पैतृक धन की प्राप्ति करने का योग बन रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। ये 2023 मिला जुला फल देने वाला है, लेकिन आपको सचेत भी रहना है, आपको जो वाहन से सचेत भी रहना है, अपने शरीर के लिए ध्यान देना है, आपको समय से जो है प्राणायाम करना नितांत आवश्यक है, आपको जो है पूजा पाठ धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि रखने से काफी आपको लाभ मिलेगा। आपको मैंने कन्या राशि के जातकों के लिए मैंने बतलाया, मैंने भविष्यवाणी किया कि आप लोगों का ग्रहों के अनुकूल क्या स्थितियां रहेंगी 2023 संवत्सर 2080 में। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं। मैं अपने दर्शकों से फिर निवेदन करता हूं कि कमेंट में जो है एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें, बाबा विश्वनाथ की जय जरूर करें, क्योंकि आप ही मेरी ऊर्जा के स्रोत हैं। इसलिए आप लोगों से सादर पुनः जो है जनवरी 2023 जो अंग्रेजी वर्ष का नया वर्ष कहा जाता है उसके लिए सभी लोगों को मंगल कामना के साथ, आप सभी लोगों को स्वास्थ्य सुख समृद्धि धन की वृद्धि में कृपा हो, इसके लिए सभी लोगों को आप जो है मंगल कामना करता हूं। हर हर महादेव।